भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन आने वाला फुटवेयर डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट FDDI जोधपुर इन दिनों एडवांस फुटवेयर, मिलिट्री शूज, सेफ्टी शूज और ऑर्थोपेडिक्स फुटवेयर के दूसरे राज्य के FDDI सेंटर से आए डिजाइनर को प्रशिक्षण दे रहा है। साथ ही आने वाले समय में सेना की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाए जाने वाले जूते और दूसरे जूतों के डिजाइन को लेकर भी तकनीकी रूप और प्रशिक्षित कर रहा है। जोधपुर FDDI के इस सेंटर में 6 दिन के विशेष प्रशिक्षण में इन डिजाइनरों को प्रशिक्षण देकर नए डिजाइन डेवलप करने की तकनीक से भी रूबरू करवाया जा रहा है। आपको बता दें कि एकमात्र जोधपुर FDDI ही भारतीय सेना के लिए थार रेगिस्तान की 50 डिग्री वाली भीषण गर्मी और सियाचिन की -50 डिग्री वाली सर्दी में भी जवानों को सहूलियत देने वाले सेफ्टी शूज की डिजाइन पर काम करता है। इसी को लेकर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन आने वाले जोधपुर में संचालित हो रहे FDDI में इन दिनों देश भर के FDDI से आए विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जहां मिलिट्री, ऑर्थोपेडिक्स और सेफ्टी शूज की बेहतर डिजाइन के लिए देश भर के आए इन विद्यार्थियों को प्रशिक्षण विशेषज्ञों के द्वारा दिया जा रहा है, जहां किस प्रकार से आगे आने वाले समय में सेना की सहूलियत के अनुरूप उनके जो विशेष किस्म के जूते हैं जो यहाँ तैयार भी किए जा रहे हैं सेंटर फॉर एक्सीलेंसी सेंटर में, जहाँ उनमें बेहतर डिजाइन किस प्रकार से किया जाए जिसके लिए भी इन प्रशिक्षकों को तैयार किया जा रहा है, जहाँ कुछ प्रशिक्षकों से भी बात करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? डॉक्टर कोमी दत्ता। मैम, किस प्रकार से जो है वो इन जो देश भर के FDDI से आए हैं, कैसे प्रशिक्षण दिया जा रहा है? जैसे यहाँ पे जो है एक हॉल फुल ऑफ मतलब टीचर्स है एंड दे आर सबको एक्सपर्ट्स है, सबको अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट है। ये बहुत एक खास मौका है कि हम लोग अपना एक्सपर्टीज शेयर कर सके, मतलब एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे। हम लोग जो सीख रहे हैं यहाँ पे वो है मतलब कि जो हड्डियों में प्रॉब्लम्स होता है उसको ट्रीट करना, या फिर कोई भी हम खराब सिचुएशन में जाते हैं कि जहाँ पे टेम्परेचर बहुत नीचे होता है, टेम्परेचर बहुत ऊंचा होता है, या फिर पहाड़ियों में है या फिर फॉरेस्ट में है, जैसे कि मिलिट्री फुटवेयर्स के बारे में भी हमको जानकारी मिल रहे है। हम डायबिटिक फुट के बारे में भी थोड़ा बहुत मतलब प्रिंसिपल्स के बारे में यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि कैसे ठीक कर पाएंगे, थोड़ा बहुत चेंजेस लाएंगे तो थोड़ा बहुत चेंजेस से पेशेंट का लाइफ बेहतर हो सकता है। हमका ये कोशिश है कि मतलब जूता जो बनते हैं सबके लिए बनता है, अभी स्पेशलाइज जूते के लिए हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो जो जो नीड है, जो पेशेंट को चाहिए है, हम लोग उसको हिसाब से हम लोग चेंज कर रहे हैं। जैसे कि आपको अगर पता चले कि यहाँ पे जो फुट का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे सबसे फ्रजाइल बोन्स ये है, पर यहाँ पे हम कोई गार्ड नहीं दे सकते क्योंकि ये जगह हिलता है जब हम चलते इस पे अगर हम कुछ ऊपर से हार्ड लगा देते जो इसको प्रोटेक्ट कर पाएंगे, फिर इसका हिलना मुश्किल हो जाएगा। तो हम इसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? इस पे अगर कुछ गिरता है, सबसे पहले ये टूटता है, ये टूटना सबसे आसान है, ये सबसे कॉमन फ्रैक्चर है, तो इसको प्रोटेक्ट करना है बहुत चैलेंज की बात होता है, क्योंकि हम मेटल कैप तो जैसे कि मिलिट्री फुटवेयर का एक कैरेक्टर है, जो उसपे हम लोग मेटल या फिर कॉम्पोजिट कैप डालते हैं तो ऊपर का उंगलियां मतलब सेफ हो जाते, पर यहाँ के बारे में हम क्या कर पाएंगे ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग को जो पता है हम इन्हें बोल रहे हैं, उनको जो पता है हम सीख रहे हैं, ये ट्रेनिंग दो तरफ से हो रहा है, वो भी हमें बता रहे हैं कि मार्केट का क्या सिचुएशन है, डिमांड क्या है, हम भी बता रहे हैं कि हम कैसे उन डिमांड को सेटिस्फाई कर सके। ये ऐसा नहीं है, ये क्लासरूम का पोजीशन चेंज हो रहा है। कुछ देर पहले आई वॉज गिविंग अ लेक्चर हियर, उसके बाद वहाँ पे बैठ के मैं सीख रही थी, तो हम लोग सीख रहे, ये खासियत है कि उनसे हमने मिलिट्री फुटवेयर के बारे में सीख रहे, हम एनाटॉमी के बारे में बोल रहे, डायबिटिक फुट के जो सेंसेशन लॉस होते हैं पैरों के नीचे नर्व में, अगर ग्लूकोज डिपोजिशन होता है तो सेंसेशन लॉस होता है, उनसे खरोच आते हैं, खरोच आने के कारण हमारे पैर में गैंग्रीन भी हो सकते हैं। अगर हम लोग उसको पहले से देखते हैं, जांच करते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि खरोच आ रहा है और उसको क्या किस तरह से उसको रोकना है, किसको ट्रीट करना है,
फुटवेयर में क्या चेंज लाना है, जूते में क्या चेंज लाना है, अंदर क्या चेंज लाना है, और वो चेंज लाने से हम लोगों को बेहतर लाइफ दे सकते हैं। ये कोशिश है पूरे सबको यहाँ पे जो हम काम कर रहे हैं डिफरेंट चीज डिफरेंट फुटवेयर ऑक्यूपेशन में, जो डिफरेंट डिफरेंट जहाँ पे फायर सेफ्टी काम होता है, फायर सेफ्टी मतलब जहाँ पे आग के काम है, इलेक्ट्रिक फुट सेफ्टी फुटवेयर जहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन पे काम होता है, स्टैटिक सेफ्टी फुटवेयर मतलब चलते चलते अगर स्टैटिक चार्ज डेवलप कर जाए तो उससे कैसे हम अपने को बचा पाएंगे, बहुत ठंड में अगर हमारे जवान लड़ रहे हैं तो हम क्या कर पाते हैं उनको पैरों को प्रोटेक्ट करने के लिए, रेत में चलने के लिए क्या फुटवेयर चाहिए वो भी हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि रेत में जो चलने का प्रॉब्लम है, रेत बहुत सॉफ्ट होता है, वहाँ पे हम फोर्स नहीं जनरेट कर पाते, जो फोर्स हम लोग रिवर्स में पाते वो बहुत कम है, इसलिए हम ज़्यादा नहीं चल पाते। तो फोर्स जनरेटिंग फुटवेयर के लिए कॉम्पोनेंट क्या डाला जाएगा, उससे मतलब जो जवान जैसलमेर के बॉर्डर्स में है उससे फायदा होगा, या फिर जो सियाचिन में है सब जीरो टेम्परेचर में, उसको फुट को फ्रॉस्ट बाइट से प्रोटेक्ट करना है, तो फ्रॉस्ट बाइट से प्रोटेक्ट करना है तो वाटर रेजिस्टेंस होना चाहिए उसका मटेरियल पे, कितना पानी अंदर जाए तो फिर भी चलेगा, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा तो नीचे आ जाएगा पानी, पानी की वजह से माइक्रोब होगा, फंगस होगा, फंगस बैक्टीरिया होने से इन्फेक्शन हो जाएगा। तो हम लोग ये एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज के बारे में भी बात कर रहे हैं, कैसे इंक्लूड किया जाए जूते के अंदर, उससे हमारा इन्फेक्शन का चांसेस कम हो सकते हैं, तो ये सारे कोशिश है। तो जैसा कि आपने देखा जो विशेषज्ञ हैं उनको बेहतर तरीके से जो देश भर के FDDI से जो लोग यहाँ प्रशिक्षण लेने के लिए आए हैं, और इन्होंने बताया था जो है वो एक प्रतीकात्मक जो रूप है पैर के हड्डी का, जहाँ आमतौर पर सामान्यतः पैरों में जो दिक्कतें आती हैं, वही जो सेना के लिए जो विशेष किस्म के जो जूते हैं उनके डिज़ाइन में भी भविष्य को देखते हुए किस प्रकार से बदलाव किया जाए, ताकि वो 50 डिग्री गर्मी के तापमान के साथ ही सियाचिन के -50 डिग्री तापमान में भी अपने आराम के तरीके पैरों को आरामदायक जो है वो रखते हुए देश सेवा का कार्य कर सके, उसके लिए भी जो है वो प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और इसके अलावा जो देश भर के जो विभिन्न जो प्रदेशों से जो लोग आए हैं FDDI से, उनसे भी हम बात करेंगे। सर क्या नाम है? मुकेश सिंह नाम। सर कहाँ से हैं आप? मैं फुरसतगंज रायबरेली। सर क्या प्रशिक्षण दिया जा रहा है फुटवेयर डिजाइनिंग की नए डिजाइन को लेकर? फुटवेयर डिजाइन में बेसिकली जितने भी आर्मीज के लिए सेफ्टी फुटवेयर है आर्मी के लिए, या जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस उनके लिए है कि कितने हम अपने जवानों को कितना सेव कर सकते हैं, क्या हम उसमें और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में ट्रेनिंग दिया जा रहा है। और ये पार्शियल ट्रेनिंग है, मतलब नॉलेज गेन और दोनों तरफ से हो रही है, ठीक है। यहाँ डिफरेंट टाइप डिफरेंट स्टेट से लोग आए हुए हैं, फैकल्टीज आए हुए हैं, जो आपस में एक दूसरे की नॉलेज शेयर कर रहे हैं, ठीक है। हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि हम किस तरह से और उसको इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या मटेरियल हम यूज़ कर सकते हैं जिससे हम और ज़्यादा अपनी आर्मीज को लेकर सेफ्टी को लेकर कंसर्न करके, क्योंकि देखिए जितना भी जवान है सबके पैरों से चलता है, ठीक है, तो उस पैरामिलिट्री फोर्सेज आर्मी होगी तो उनके लिए हम कैसे और ज़्यादा उसको कम्फर्टेबल कर सकते हैं, कितना लाइट वेट फुटवेयर कर सकते हैं, ठीक है, जिससे जवान में और ज़्यादा उसमें कम्फर्टेबल होकर और ज़्यादा वहाँ पर उसको सस्टेन कर सके और थके कम उससे। तो जैसा कि फुटवेयर डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जोधपुर में जो देश भर के जो लोग आए हैं, जहां आप देख सकते हैं ये अपने अनुभवों को भी जो है वो ये साझा कर रहे हैं कि सेना के साथ ही जो अन्य जो जरूरत जो लोग जुड़े हुए हैं उनके भी जो फुटवेयर जो डिजाइन कर रहे हैं उसमें किस प्रकार से बदलाव किया जा सके जिससे कि उनको दिक्कतें भी नहीं हो, हम उनसे भी बात करेंगे। मैम क्या नाम है आपका? अनिला। कहाँ से है मैम? मेरा घर तो केरला से है, मैं हैदराबाद से आया है, हैदराबाद में काम कर रही हूँ। जोधपुर FDDI में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, क्या कुछ खास रहा है इसमें? इसमें हम लोग एक्चुअली मिलिट्री शूज, सेफ्टी शूज और ऑर्थोपेडिक एंड प्रोस्थेटिक्स बारे में सीख रहे हैं। इसमें हम पहले दिन में सीखा था हम लोग क्या क्या टेस्टिंग कर सकते हैं सेफ्टी शूज के लिए, कौन सी टेम्परेचर में चल सकते हैं, उसका सोलिंग मटेरियल, अपर मटेरियल का डिटेल के बारे में सारा डिटेल्स हमने देख लिया है। फिर नेक्स्ट डे हम लोग ने डिजाइनिंग के बारे में, बिकॉज ये सारी दूसरा टाइप फुटवेयर से बहुत अलग है इनका सेफ्टी फुटवेयर और ऑर्थोपेडिक फुटवेयर का डिजाइनिंग, तो उसका पैटर्न कैसे बन सकते हैं सारी चीज़ हम सीख रहे हैं। तो आज हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में, ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में, ह्यूमन बॉन्ड्स और कैसे रिलेटेड है फुटवेयर की, तो ये सारी चीज़ हम लोग देख रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं डॉक्टर कोमी मैम से। तो जैसा कि बेहतर प्रशिक्षकों के द्वारा जो है वो इनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, कुछ और भी लोग हैं। मैम कहाँ से हैं आप, क्या नाम? कलकत्ता से हूँ मैं, मेरा नाम मेदिनी प्रभा है, एंड यहाँ पे हम लोग ये सब सीख रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग चीज़ों को रेक्टिफाई कर सकते हैं। मेनली हम
स्केच तो बना लेते हैं डिज़ाइन, बट उस डिज़ाइन को प्रॉपर शूज़ में कैसे कर सकते हैं, शूज़ में प्रॉपर जब बने वो कोई पहने तो उसको कंफर्ट लगे, ये ना हो कि हम चलते चलते गिर जा रहे हैं या फिर पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, इन सब चीज़ों से कैसे हम बच सकते हैं, कैसे हम ज़्यादातर अगर काफ़ी लोग होते हैं जिनका खड़े खड़े काम है, कुछ लोगों का बैठने का काम है, तो कुछ लोग दौड़ते हैं, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किस तरीके से हम नए फुटवेयर्स रेडी कर सकते हैं वो सब हम सीख रहे हैं। बिल्कुल, नए फुटवेयर को डिजाइनिंग करने के लिए जो आगे आने वाले समय में किस प्रकार से उसमें बदलाव किया जाए उसको लेकर भी जो है वो यहाँ चर्चाएं भी हो रही है, और अपने जो अनुभव हैं उनको भी एक दूसरे से जो है वो ये साझा कर रहे हैं। कुछ और भी लोगों से बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका, कहाँ से? मनोज कुमार राय, मैं सीनियर फैकल्टी हूँ, कलकत्ता कैंपस से आया हूँ, और यहाँ पे हम लोगों को अभी सेफ्टी शूज और मिलिट्री शूज और ऑर्थोपेडिक शूज के बारे में बताया जा रहा है, इनके डिजाइनिंग के बारे में, इनके इसमें कैसे हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं जो आगे के 10 से 20 साल के फ्यूचर के रिक्वायरमेंट को हम लोग सेना की ज़रूरत के हिसाब से पूरा कर सकें, और जो भी हमारे पैर में दिक्कतें आती हैं उस दिक्कतों को कैसे सुधारा जा सकता है एक जूते के माध्यम से, इन सॉक्स के माध्यम से, ये सारे हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं, और इसके लिए हम लोग काम करेंगे जिसमें हम मटेरियल के डेवलपमेंट के बारे में बातचीत कर रहे हैं, डिज़ाइनिंग के बारे में बातचीत कर रहे हैं, और प्रोडक्शन प्रोसेस के बारे में भी बात करते हैं। तो जैसा कि जो देश के जो 7 सेंटर फॉर एक्सीलेंसी हैं उसमें जोधपुर FDDI एक महत्वपूर्ण है, जहां सेना के लिए जो विशेष किस्म के जूते जो तैयार किए जाने वाले हैं उनको डिज़ाइन को लेकर भी जोधपुर FDDI जो है वो बेहतर कार्य कर रहा है, और ये देश भर से आए हुए प्रशिक्षक जो अपने अनुभवों को भी साझा कर रहे हैं, और सामान्यतः तो पैरों में जो अपने शूज को लेकर जो दिक्कतें आती है उसमें डिज़ाइन में किस प्रकार से आगे आने वाले समय में बदलाव किया जा सके उसको लेकर भी गहन मंथन चल रहा है। हमारे साथ में जोधपुर FDDI के डायरेक्टर भी हैं, कार्यकारी निर्देशक अनिल कुमार जी, उनसे भी हम बात करेंगे। सर जोधपुर के लिए भी एक बेहतर अवसर है कि देश भर के FDDI से जो लोग हैं वो जोधपुर आए हैं और प्रशिक्षण ले पा रहे हैं, क्या कुछ खास रहने वाला है? हाँ, ये बहुत ही एक अच्छा अवसर है कि जो हमारे देश के विभिन्न केंद्रों के फुटवेयर विशेषज्ञ हैं और उनके लिए ऑर्थोपेडिक्स और मिलिट्री और सेफ्टी सूज के जो समय की मांग और उद्योग की जरूरत के अनुसार उनके डिजाइनिंग में किस तरह का चेंजिंग किया जाए, एडवांसमेंट लाया जाए, और साथ ही साथ जो COE में अवेलेबल हाई इक्विपमेंट मशीन हैं उनका किस तरह से उपयोग किया जाए, ये हमारे देश के विभिन्न केंद्रों से आए फुटवेयर विशेषज्ञ यहाँ प्रशिक्षण में 6 दिवसीय चलने वाले प्रशिक्षण में ये सीख रहे हैं। सर फुटवेयर डिजाइनिंग को लेकर जो है वो आगे आने वाले समय में जो है कितना स्कोप रहेगा, देश के प्रधानमंत्री भी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी इसका जिक्र कर चुके हैं, क्या कुछ आने वाले समय में जो है वो FDDI का क्या विजन रहने वाला है? FDDI का फुटवेयर के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है, क्योंकि CFI जो सेंटर फॉर कॉन्फेडरेशन ऑफ फुटवेयर इंडस्ट्रीज इन इंडिया है उसके अनुसार एक अनुमान है कि अभी जो प्रति व्यक्ति औसतन फुटवेयर देश में है वो केवल 1.14 है, और अगले 5 वर्षों में इसके डबल होने की संभावना है। यदि डबल होने की संभावना है तो आने वाले अगले 5 सालों में करीब 140 करोड़ पेयर्स की जरूरत पड़ेगी, और इसके अनुसार जो है फुटवेयर की डिमांड को समझा जा सकता है, और इसमें जो है FDDI का योगदान बहुत बड़ा रहने वाला है। जैसा कि जोधपुर FDDI के कार्यकारी निदेशक ने भी विस्तार से बताया कि आगे आने वाले समय में फुटवेयर डिजाइनिंग को लेकर कितने विकल्प भी खुलने वाले हैं देश भर में, उसकी विस्तार से जानकारी भी थी। जहां आपको बता दें जोधपुर FDDI देश भर के चुनिंदा ऐसे FDDI में है जिसको जो फुटवेयर डिजाइन को लेकर कहीं महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जो है उसमें कार्य किए जा रहे हैं, और बेहतर प्रशिक्षकों के द्वारा भी जो देश भर के जो लोग यहाँ आए हुए हैं उनको भी सेना के लिए जो तैयार हो रहे विशेष किस्म के जूते हैं और डायबिटिक पेशेंटों भी पैरों में आने वाली जो जेनेटिक दिक्कतें हैं उनको भी किस प्रकार से सहूलियत मिल सके उनको लेकर भी गहन मंथन चल रहा है, जहां कह सकते हैं आगे आने वाले समय में FDDI की प्रयास धरातल पर कहीं रूप में कारगर साबित होते देखे जाएंगे। जोधपुर से NDTV के लिए मुकुल परिहार।